रुद्रपुर शहर के अंदर जो अवैध वसूली हो रही है उसके खिलाफ हम लोगों ने MNA का घेराव किया। हम लोगों ने बताया कि जो पार्किंग के नाम पर पार्किंग का शुल्क तो 100 रुपये निर्धारित है वाहनों से, और वो भी नगर निगम के अंदर। आज नगर निगम के बाहर हमारे एक व्यापारी ने उनको पकड़ा, ठेकेदारों को सुबह सुबह घटना थी, और वो 200 रुपये वसूल रहे थे। तो हम लोगों ने अभी निगम को बताया, MNA को बताया कि किस तरह से रोज़ रुद्रपुर शहर के अंदर अवैध वसूली हो रही पार्किंग के नाम पर नगर निगम के MNA कुछ करने तैयार नहीं, बिल्कुल लाचार दिखाई दे रहे थे। उन्होंने हम लोगों से कह रहे हैं कि हम लोग मुकदमा दर्ज कराएं। अरे नाक के नीचे उनके नाम से मुकदमा, उनके नाम से वसूली हो रही है, पर अधिकारी कुछ करने के लिए तैयार नहीं। MNA चाहे MNA हो चाहे मेयर हो, पूरा नगर निगम भ्रष्टाचार में डूबा पड़ा है। ये लोग कुछ नहीं करने के लिए तैयार है। माल आ रहा है रोज़ लाखों रुपये आ रहा है, रोज की बंदरबाट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार तो कहती है कि हम लोगों ने बहुत साफ सुथरा काम कर रहे हैं, पर अगर भ्रष्टाचार अगर देखना हो तो यहाँ हमारे रुद्रपुर की जो नगर निगम में भ्रष्टाचार देखा जाए, यहाँ अवैध वसूली हो रही है। व्यापारी लगातार परेशान है, व्यापारी ने पहले भी इस बात को रखा था, आज तो हमने रंगे हाथ, हमने तो पर्ची तक दी इनको, हमने फोटो तक दे रहे हैं, पर MNA कुछ करने के तैयार नहीं। इसे साबित होता है कि ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं। पार्टी ने पूरी राजनीति का व्यवसायीकरण कर दिया। पहले मेंबरशिप के नाम पर पैसे लेती है, फिर टिकटों के नाम पर पैसे लेती है, उसके बाद जब उनके जनप्रतिनिधि मेयर या पार्षद या कोई भी बन जाते हैं तो अवैध वसूली करके अपने ये पैसे पूरे करते हैं। आज पार्किंग शुल्क के नाम पर नगर निगम के क्षेत्र से बाहर भी वसूली की जा रही है, और रोजाना लगभग 1.5 लाख रुपये की वसूली है। यह पूरी वसूली नगर निगम के मेयर और उनके जो है गुर्गे पार्किंग ठेकेदार, इन सबकी शह पर हो रही है। हमारा ये कहना है कि तत्काल इस अवैध वसूली को बंद कर दिया जाए। अरे जब रुद्रपुर में पार्किंग नहीं है तो पार्किंग शुल्क काहे का? इसका जवाब दे मेयर, इसका जवाब दे MNA, इसका जवाब दे पार्किंग ठेकेदार। सारा का सारा मामला अपनी जेबें भरने से है। भ्रष्टाचार, जब जब भाजपा यहाँ नगर निगम में आई है भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूट गए हैं। पुनः मैं बता रहा हूँ कि इसका राजनीति का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। अपनी जेबें भरने के अलावा उनको कोई काम नहीं है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, और यदि ये पार्किंग शुल्क बंद नहीं हुआ तो नगर निगम की ईंट से ईंट बजा देंगे। किसी भी पार्किंग ठेकेदार को पार्किंग शुल्क हम नहीं वसूलने देंगे, या उत्पीड़न जनता का हम नहीं होने देंगे। लोगों का ये कहना है कि जो पार्किंग ठेकेदार है वो अधिक वसूली कर रहा है। उन्होंने एक पर्ची दी है जिस पर 200 रुपये की 200 रुपये अंकित है। उनके द्वारा एक रसीद और दी है इसमें 100 रुपये अंकित। तो दोनों को देखने से स्पष्ट है कि 200 रुपये की जो रसीद है उसके ऊपर कोई भी मार्क नगर निगम का नहीं है, और जो 100 रुपये की पर्ची है उस पर नगर निगम की मोहर लगी प्रतीत हो रही है, स्पष्ट नहीं है वो भी। नगर निगम द्वारा अधिकतम 100 रुपये की पर्ची पार्किंग में है, 200 रुपये की पर्ची ये फर्जी है, और जिस व्यक्ति से ऐसी वसूली की जा रही है वो सीधे पुलिस में अपनी एक्सटोर्शन की FIR दर्ज करा सकता है। मेरे कार्यालय द्वारा पूर्व में ही CO City को पत्र भेजकर कहा गया है कि यदि इस प्रकार कोई अवैध वसूली करता है तो उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता जाता है तो उनकी प्राथमिकी दर्ज करवा दें। सर, वहीं आपने वक्तव्य में अभी कहा था, आपने अगर ठेकेदार को इसमें निर्देशित किया गया था, अगर उसने नहीं एफ आई आर करी तो हम उसके विरुद्ध। ठेकेदार द्वारा यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति उसके नाम पर वसूली कर रहा है, तो उसको मौखिक रूप से कहा गया था कि अगर ऐसी बात है तो स्वयं थाने में जाकर शिकायत कर दे। लोगों की सूचना के लिए नगर निगम के व्हाट्सएप नंबर पर 8859502020 पर जो पार्किंग की जो शुल्क है उसको अपलोड कर दिया गया है, और जो नगर निगम की फेसबुक है उस पर भी अपलोड कर दिया गया, ताकि लोगों को ये जानकारी रहे कि नगर निगम के द्वारा पार्किंग शुल्क कितना है। उसके अतिरिक्त कोई भी अगर वसूल करता है और कोई व्यक्ति पीड़ित है तो सीधे जाके जो वसूल कर रहा है उसके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई कर सकता है। और इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए नगर निगम की ओर से ठेकेदार के जो कर्मचारी इसमें लगे हैं उनकी संख्या ठेकेदार द्वारा 6 बताई गई है, और उनको जो पहचान पत्र ठेकेदार ने दिए उस पर नगर निगम की मोहर लगी हुई होगी। अगर किसी के पास पहचान पत्र नहीं है, कोई व्यक्ति उनको कोई शुल्क ना दे और उसको अवैध वसूली समझे।